आज की ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अभी और गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। तो इस वीडियो को बिना भगाए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी जो है रोजाना सबसे पहले आपको मिलती रहे। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो राजस्थान समेत देश के इन राज्यों में आज बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। देश के कुछ राज्यों में हीटवेव की स्थिति देखने को मिल रही है, तो कुछ राज्यों में जो है बारिश की गतिविधियां जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो है बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो आज राजस्थान में कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी जो है वो दी गई है कि राजस्थान के कई इलाकों में आज बारिश होने का पूर्वानुमान है। वह निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट की माने तो आज पूर्वी असम और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की मध्यम बारिश के साथ एक दो स्तरों पर भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ साथ शेष पूर्वोत्तर भारत, केरल में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी हल्की मध्यम बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं आंतरिक कर्नाटक, ओडिशा, गंगी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और आंध्र प्रदेश और रॉयल सीमा और तेलंगाना और विदर्भ में भी जो है यहाँ पर लू चलने की चेतावनी दी गई है। यानी लू को देखकर यहाँ पर चेतावनी दी गई है, लू को लेकर जो है चेतावनी दी गई है। राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने दिल्ली में आज जो है न्यूनतम तापमान 1900 अधिकतम 36 के आसपास जाने की बात कही है। दिल्ली में जो है आज का दिन यहाँ पर दिन के टाइम में जो है ठंडी हवाएं चल सकती है, यानी जो मतलब तो तेज हवाएं जो है चल सकती है, जिसके कारण तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दिल्ली के मौसम को लेकर फिलहाल ये बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। बात अब करते हैं राज्य और मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मौसम की, तो यूपी में सबसे गर्म रहा है प्रयागराज। मौसम विभाग ने दी है भीषण गर्मी की चेतावनी, अब चेताएगी लू। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अभी दिन में यहाँ पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, आने वाले दिन भी जो है तापमान में वृद्धि वाले होंगे। ऐसे में इस साल जो है भीषण गर्मी और लंबे समय तक लोगों को जो है गर्मी सताने वाली है। वही गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने जो है चेतावनी दी है, मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी जो है दी गई है। बता दें आपको कि अप्रैल महीने के शुरुआती सप्ताह में ही जो है प्रयागराज में तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, 41 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। अभी मौसम विभाग ने जो है चेतावनी जो दी है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब गर्मी जो है शुरू हो चुकी है। सुबह के वक्त ठंडक के बाद दोपहर को जो है यहाँ पर लोग जो है धूप से बचने के लिए मोटा कर बाहर ही निकल रहे हैं। अप्रैल महीने के साथ ही गर्मी का असर अभी दिखने लगा है। ऐसे में अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में तेज धूप लोगों के पसीने छुड़ाएगी और तेज धूप से यहाँ पर लोगों को परेशानी होगी। बात करते हैं झारखंड के मौसम की, तो झारखंड में जो है अप्रैल महीने में ही जो है गर्मी ने जो है लोगों के यहाँ पर पसीने छुड़ा दिए है। मौसम विभाग ने बताया है कि हीटवेव से लोगों को जो है जल्दी राहत मिलेगी। दरअसल बात यह है कि अप्रैल के प्रारंभ से ही जो है झारखंड में गर्मी ने लोगों को सताने की यहाँ पर ठान ली है। कोलन समेत झारखंड के कई इलाकों में पारा जो है 41 डिग्री से ज्यादा चला गया है, यानी 41 डिग्री से ज्यादा पारा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। वही राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के अंदर जो है आगामी दिनों में तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि ज्यादा इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम की, तो छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा आगामी 24 घंटों का मौसम, तो बता दें आपको कि 7 और 8 को जो है ज्यादातर इलाकों में बारिश को लेकर चेतावनी दी है, ओलावृष्टि को लेकर भी संभावना है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अगले 3-4 दिन तक मौसम में बदलाव होने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहीं कल और परसों 2 दिन तक ऑरेंज अलर्ट है। इस दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की आंधी चलने की चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिन तक राज्य के अंदर 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, यानी ज्यादातर इलाकों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं कल प्रदेश का सबसे गर्म इलाका रायपुर रहा, जहां पर पारा 41.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, यानी ज्यादातर इलाकों में तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति जारी है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम की, ताकि राजस्थान में आगामी 24 घंटों का कैसा रहेगा मौसम, तो बता दें आपको कि राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश के हैं आसार।
राजस्थान में अप्रैल महीने के पहले ही हफ्ते में जो है मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जिलों में बादल छाए रहने से मौसम ठंडा हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में एक दर्जन से ज्यादा जिलों में जो है तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मार्च के आखिरी में जो है 40 डिग्री तक पारा पहुंचने वाला पारा जो है 40 डिग्री पहुंचने वाला पारा जो है अभी 35 से 37 के आसपास आ चुका है। वही मौसम विभाग की माने तो आज जो है प्रदेश के कई इलाकों में मौसम करवट ले सकता है। वही पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में जो है ज्यादातर इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वही मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। वही पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चूरू सीकर झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इन जिलों में हल्की मध्यम बारिश होने के आसार जताए गए हैं। ज्यादातर इलाकों में जो है बारिश हो सकती है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं किस वीडियो को आप देख कैसे रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी जो है रोजाना सबसे पहले आपको मिलती रहे।